2500 केजी की लिफ्टिंग मिल जाती है ना, इसमें एक्स्ट्रा टॉर्क कितना का होता है, मतलब 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क जाता है। राम राम किसान भाइयों, तिवारी जी की लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम अवेलेबल हैं माँ भगवती ट्रैक्टर्स एंड एग्रो फार्म पे। यहाँ पर सोलिस का एक बहुत ही दमदार, जानदार, शानदार ट्रैक्टर आया है, अभी तक का सबसे बड़ा इंजन। आज आपको दिखाने वाला हूँ मैं इस ट्रैक्टर के अंदर। इसके अंदर आपको करीब 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 मतलब बात करूँ तो 4087 सीसी का इंजन इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाला है। इससे बड़ा इंजन आपको अभी तक किसी ट्रैक्टर में नहीं आता है, और इस एचपी कैटेगरी में। मतलब अगर बात करें, अब भैया आप बोलोगे सर 70 HP वाले ट्रैक्टर के अंदर तो इससे बड़ा इंजन ही लगाना पड़ेगा। 55 अगर हॉर्स पावर की बात करें, 55 HP की बात करें, तो इससे बड़ा इंजन अभी किसी भी ट्रैक्टर के अंदर नहीं आता है, जो काफ़ी शानदार है। तो किसान भाइयों, समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। सबसे पहले हम बात कर लें इस ट्रैक्टर के लुक के बारे में। तो आप जानते हो सोलिस अपने लुक के लिए बहुत ही फेमस कंपनी है और बहुत ही शानदार लुक अपने ट्रैक्टर में डिज़ाइन देती है। अगर बात करें इसका लुक के बारे में, तो काफ़ी शानदार लुक आपको मिल जाता है। ड्यूअल टोन कलर आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। आपको यहाँ पर बोलते हैं ना, सोलिस की बैजिंग मिल जाती है, 50-15 की बैजिंग मिल जाती है, सॉरी 55-15 की बैजिंग मिल जाती है। ई सीरीज़ मतलब ई सीरीज़ वाला E3 इंजन आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाला है। और सबसे खास बात क्या है, इसके अंदर आपको अगर न्यूटन टॉर्क की बात करें तो 235 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये ट्रैक्टर जनरेट करता है, कंपनी देती है। और अगर बात करें एक्स्ट्रा टॉर्क की, मतलब यहाँ पर जैसे इसने बैजिंग लगा रखा है, इसमें लिखा हुआ अभी 255 न्यूटन मीटर एक्स्ट्रा टॉर्क, मतलब 255 तक जनरेट कर सकता है। कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको 200 मिलेगा, और अगर खूब ताकत की बात करें 255 तक का जनरेट कर देता है ये ट्रैक्टर, ये जो काफ़ी शानदार चीज़ है। अब हम किसान भाइयों इसका बोनट एक्सेस करते हैं और जानते हैं इसके इंजन के बारे में। सबसे पहले वही बटन आपको बस दबाना है और आपका बोनट एक्सेस हो जाएगा। ये देखिए, काफ़ी हैवी बोनट। अगर बात करें इसके बोनट के बारे में, तो आपको इसके अंदर डबल हाइड्रोलिक मिल जाता है, जो काफ़ी शानदार चीज़ है। उसके अलावा फ्रंट में आपको देखिए 50-15 में छोटी बैटरी थी, इसके अंदर बड़ी बैटरी है, बड़ा ट्रैक्टर मतलब बड़ी बैटरी। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, हैवी ड्यूटी बम्पर, काफ़ी हैवी ड्यूटी मिलता है। उसके अलावा आप यहाँ पर एक्स्ट्रा बम्पर मिलता है, और अगर आप चाहते हैं और भी इसके अंदर वेट लगाना तो वो भी आप लगा सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब हम बात करें इस ट्रैक्टर के टायर भी आपको बताई दें, काफ़ी शानदार टायर आपको मिलते हैं, बड़े बड़े टायर मिलते हैं। 7/50/16 का फ्रंट टायर मिल जाता है, और 16/9/28 का बैक टायर आपको इसके अंदर मिलने वाला है किसान भाइयों, जो काफ़ी शानदार है। उसके अलावा बैक में आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंची धड़ी, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसके अंदर मिलता है। डबल डिस्ट्रीब्यूटर बॉल मिल जाते हैं, जो काफ़ी शानदार है। लाइटें तो प्यारी मिलते ही हैं आपको, काफ़ी शानदार मिल जाती हैं। अगर पावर स्टीयरिंग की बात करें किसान भाइयों, तो आपको इसके अंदर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलता है, जो क्या आता है, प्रोटेक्शन के साथ में आता है, आप देख लीजिए, जिससे आप कभी भी इसको चलाएंगे, कभी मेड़ आ जाती है या कुछ भी आ जाता है, तो आपका यहाँ पर सिलेंडर को कोई नुकसान ना हो, स्टीयरिंग को कोई नुकसान ना हो, इसलिए यहाँ पर क्या के लगा के रखा है, प्रोटेक्शन लगा के रखी है। एडजस्टेबल धड़ी भी आती है, ये भी काफ़ी शानदार चीज़ है, मतलब यहाँ पर बहुत ही शानदार काम किया है कंपनी ने, जो आपको दिखाने लायक है। अब हम आ जाते हैं ट्रैक्टर के इंजन पर। सबसे पहले तो किसान भाइयों, जैसे मैंने बताया, इसके अंदर आपको 4087 सीसी का इंजन मिलता है, E3 इंजन मिलता है, जो सोलिस कंपनी खुद का इंजन बनाती है, जापानी टेक्नोलॉजी से निर्मित इंजन है, जो 2000 RPM पे काम करता है, जो 235 न्यूटन की नॉर्मल टॉर्क जनरेट करता है और 255 न्यूटन मीटर की एक्स्ट्रा टॉर्क जनरेट करता है। 2000 RPM पे काम करने वाला है, बॉस कंपनी का पंप मिल जाता है आपको इसके अंदर। और बात करें इस ट्रैक्टर के अंदर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, काफ़ी बड़ा। और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, चारों पिस्टन बहुत ही बड़े बड़े मिलते हैं, और चारों पिस्टन आपको अलग अलग मिलते हैं। अगर आपको कभी ऐसा काम आता है पिस्टन में करवाने के लिए, तो आप हर एक पिस्टन को अलग अलग इसमें खोल सकते हैं, जो काफ़ी शानदार है। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा,
बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी यह ट्रैक्टर लेके आया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर आपको पावर स्टीयरिंग ऑयल के लिए अलग से चीज़ें मिल जाती हैं, आप यहीं पर डाल सकते हैं, आपको अंदर कहीं जाना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब किसान भाइयों, टॉर्क के बारे में बता दिया, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है, प्रोटेक्शन भी इसके अंदर आपको मिलती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रोटेक्शन भी आपको इसके अंदर मिलती है। जब इसका बोनट पूरा बंद हो जाता है तो बिल्कुल ये प्रोटेक्ट हो जाता है, कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब हम चलते हैं किसान भाइयों इसके ट्रांसमिशन पे। पहले इसका बोनट हम बंद कर देते हैं, जो काफ़ी शानदार चीज़ है। बस आसानी से आपको नीचे गिराना है, काफ़ी चौड़ा हैवी ट्रैक्टर माना जाएगा अपने सेगमेंट में। फ्यूल टैंक की बात कर लें, यहीं से हम बता दें, इसके अंदर आपको 65 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है। कितने लीटर का? पूरा का पूरा 65 लीटर का। चढ़ने के लिए काफ़ी आसानी है, बस आपको यहाँ पे इसको पकड़ना है, ऐसा चढ़ जाना है। अगर यहाँ पर बात करें तो काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छी सीट, आपको कंफर्टेबल सीट, बॉटम फ्लैट बॉटम की बात करें, पूरा फ्लैट बॉटम आपको इसके अंदर मिलने वाला है, ये भी काफ़ी शानदार है। अब हम दिखाते हैं इसका आपको, सबसे पहले हम बात कर लें क्लच के बारे में। तो इसके अंदर आपको आपको डबल क्लच मिलता है, पीटीओ लीवर अलग से मिलता है और क्लच अलग से मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ आपके लिए आरामदायक चीज़ मिलने वाली है। किसान भाई, और बात कर लेते हैं पहले इसके ब्रेक के बारे में। तो इसके अंदर आपको OIB ब्रेक मिलने वाला है, जो काफ़ी शानदार चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक्सीलेटर काफ़ी अच्छा दिया है, बहुत ही कम्फर्टेबल है, आप आसानी से इसको चला सकते हैं, कितनी भी टाइम चला सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब हम आ जाते हैं स्टेयरिंग पे। तो आपको पावर स्टेयरिंग, जैसे मैंने बताया, डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग मिलता है इसके अंदर। स्टेयरिंग का जो स्टाइल है पूरा कार के जैसा, और डबल, यहाँ पर आप बोलते हैं ना डबल स्पोक स्टेयरिंग, मतलब आप इसको ऐसे पकड़ के भी चला सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लें किसान भाई हो, तो इसके अंदर आपको काफ़ी शानदार, मतलब डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन मिलता है इसके अंदर। आपको टोटल स्पीड की बात करें तो 37 किलोमीटर पर आवर स्पीड मिलती है, और मतलब 2500 RPM रेटेड यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपको दिख रही है, स्पीड नहीं होती है, RPM होता है, मतलब आपका ट्रैक्टर कितने RPM पे चलेगा, 2500 RPM पे मैक्सिमम जाएगा। यहाँ पर फ्यूल मीटर आपको मिल जाता है, यहाँ पर ये फ्यूल मीटर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ये बोलते हैं RPM मीटर मिल जाएगा, यहाँ पर हावर मीटर आपको बता देगा, यहाँ पर टाइमिंग भी आपको बता देगा, यहाँ पर हीटिंग मीटर मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पूरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पूरा यहाँ पर डिजिटल है, मतलब आपको हर चीज़ें इंडिकेशन सब कुछ मिल जाएगा। न्यूट्रल गियर होगा तो न्यूट्रल का इंडिकेशन आपको मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं किसान भाइयों, जो काफ़ी शानदार। देखिए यहाँ पर जब भी मेरा ट्रैक्टर न्यूट्रल में गया तो न्यूट्रल हो गया, तो ये काफ़ी शानदार चीज़ है। और जब आप PTO चलाएंगे तो यहाँ पर 540 लिखा हुआ है, यहाँ पर 540 इकोनॉमी लिखा हुआ है। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कंपनी खुद बोलती है कि जब भी आपको PTO चलाना है, जैसे अभी गेहूं की फसल आ रही है, जब आप इसको थ्रेशर पर चलाओगे तो आप इसको कहाँ पर चलाओगे, 1500 RPM पर चलाओ, जो काफ़ी शानदार चीज़ है। तो ये काफ़ी चीज़ें सुविधा दे के रखी हैं कंपनी ने अपने द्वारा। अब बात कर लें गियर के बारे में, तो इसके अंदर आपको कांस्टेंट मैश गियर मिलते हैं। और अगर बात करें गियर के बारे में, तो टोटल इसके अंदर आपको हाई लो और रिवर्स के अंतराल में 5 यहाँ पर गियर मिल जाते हैं, मतलब टोटल 15 गियर आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, 15 गियर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये काफ़ी शानदार चीज़ है। अब यहाँ पर आपको, जैसे मैंने PTO लीवर देके रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर RPTO और डायरेक्ट PTO दोनों चलने वाला है, और यहाँ पर आपको PTO क्लच मिलने वाला है, इंडिपेंडेंट PTO क्लच आपको मिल जाती है किसान भाइयों। मतलब इस वजह से ये ट्रैक्टर कैसा होता है, डबल क्लच मिल जाता है, मतलब अगर ये ना होता तो इसको अपन ड्यूल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग से एक्स्ट्रा लीवर देके रखा है, मतलब इसको अपन ड्यूल बोलेंगे, डबल बोलेंगे किसान भाइयों। यहाँ पर स्टॉपर बटन भी मिल जाता है, अगर आपको आवाज़ सुनना है तो आवाज़ भी आपको सुना देते हैं ट्रैक्टर के बारे में। देखिए आप, बस जब आप इसको हाफ करोगे ना, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल इंजन बड़ा होने के कारण आवाज़ दहाड़ता है, ये ट्रैक्टर दहाड़ता। यहाँ पर आपको स्टॉपर मिल जाता है, तो आपने यहाँ पर ट्रैक्टर को स्टॉप कर दिया, काफ़ी शानदार। यहाँ पर इंडिकेशन के लिए मिल जाता है, आप यहाँ पर लाइटिंग मिल जाती है, मतलब बहुत सी अच्छी टेक्नोलॉजी, जापानी टेक्नोलॉजी से निर्मित ट्रैक्टर ये बनाया है सॉलिस ने। अब हम चलते हैं इसके बैक में। किसान भाइयों, बात करें इस ट्रैक्टर के लिफ्टिंग के बारे में, तो 2500 kg का वजन ये ट्रैक्टर आसानी से उठा सकता है।
कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो इसके अंदर आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व मिलते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर लीवर भी मिल जाता है, एडजस्टमेंट लीवर मिल जाता है, आप यहीं से इम्प्लीमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा लाइट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दे के रखा ही हुआ है, तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा लाइटिंग भी करवा सकते हैं। और किसान भाइयों बात करें इसके बारे में तो काफ़ी शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और अगर हम बात कर लें लिफ्टिंग के बारे में तो इसके अंदर आपको ADDC मतलब ऑटोमेटिक ड्रिफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल लिफ्टिंग मिल जाती है, जो बहुत ही शानदार काम करती है। जितने भी हमारे मतलब बोलते हैं ना कि नई नई आधुनिक फसल करना चाहते हैं, तो एक बार आपने अगर लिफ्ट सेट कर दिया तो उसी लिफ्ट के साथ में, उसी मतलब बोलते ना गहराई के साथ में ये काम करेगी, जो काफ़ी शानदार है। चाहे आप उसके लिए बोलते ना कोई भी इम्प्लीमेंट लगा दो। आप किसान भाइयों हम बात कर लें इसके SFC के बारे में और इसके PTO पावर के बारे में, तो 46.5 मतलब 46.5 HP का PTO पावर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलने वाला है। अब हम किसान भाइयों बात कर लें SFC के बारे में, तो मैं आपको इसका SFC भी बता देता हूँ। और 191 यहाँ पर आप देख लीजिए 260 ग्राम किलो वाट मिलता है। और अगर बात करें ग्राम HP के बारे में तो 191 का SFC मिलता है, जो काफ़ी शानदार है। और यहाँ पर आपको 46.5 का PTO पावर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो किसान भाइयों ये इस ट्रैक्टर का ओवरऑल रिव्यू था। अब हम बात करते हैं इसकी जो सबसे बोलते ना मेन चीज़ होती है प्राइसिंग। आपको आज तक बहुत सारी बहुत सारे लोग ट्रैक्टरों के रिव्यू करते हैं लेकिन प्राइस आपका कोई नहीं बताता है तिवारी जी के अलावा। तो हम एक आपको मोटा मोटी प्राइस बताते हैं, उसके अलावा आप एजेंसी पा सकते हो। और एक और चीज़ मैं आपको बहुत शानदार बताने वाला हूँ किसान भाइयों, यहाँ पर आपको कंपनी 5 साल की वारंटी देती है, अनकंडीशनल वारंटी भी देती है कंपनी, ये काफ़ी शानदार चीज़ है। किसान भाइयों बात कर लें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो ये आपके जेब पर कितना भारी पड़ने वाला है और कितना हल्का पड़ने वाला है, तो भैया 8,95,000 में ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। अभी ये प्राइस है, उसके अलावा आप अगर लेना चाहते हैं इंदौर के आसपास कहीं भी हैं तो माँ भगवती ट्रैक्टर्स एग्रोफार्म पे संपर्क कर सकते हैं। और जितना हो सके हमारे यहाँ पर अखिलेश भाई आपको मिलेंगे, उनसे जितना भी हो कम करवा सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। लेकिन अभी जो है वो ये बताया है, ठीक है, एक बार ज़रूर इसको मौका दें। सबसे अच्छी खासियत इस ट्रैक्टर के अंदर जो की पॉइंट है वो ये है कि 4100 CC करीब मतलब 4087 CC का इंजन अभी इस कैटेगरी के ट्रैक्टर में कहीं भी नहीं मिलने वाला है, मतलब ये इसकी बहुत ही अच्छी खासियत। और दूसरी खासियत क्या है, इसका टॉर्क, कंपनी बोलता ना इसमें एक्स्ट्रा टॉर्क कितना का होता है, मतलब 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट, मतलब खींचने की ताकत बहुत ही ज़्यादा है। 2500 kg की लिफ्टिंग मिल जाती है, मतलब आपको क्या चाहिए, सब कुछ है इस ट्रैक्टर के अंदर। किसान भाइयों कुछ एक्स्ट्रा और बता देते हैं, आप लोग बोलते हो जानकारी कम मिलती है, तो भैया और क्या एक्स्ट्रा है, तो वह बता देते हैं। इसके अंदर आपको टोटल वेट की बात कर लें इस ट्रैक्टर के अंदर, तो 2240 kg का वजन आपको इसके अंदर मिलने वाला है। किसान भाइयों व्हील बेस की बात कर लें MM में मिलने वाला है 2110 mm का। ओवरऑल लेंथ की बात कर लें मतलब लंबाई की बात कर लें किसान भाइयों, तो 3760 mm की लंबाई मिलने वाली है। और चौड़ाई की बात कर लें किसान भाइयों, तो 1990 mm की इसकी ट्रैक्टर की चौड़ाई आती है। उसके अलावा आप इसको और भी लंबा कर सकते हो इसकी धड़ी को बढ़ाते हुए, तो काफ़ी शानदार चीज़ है किसान भाइयों। सर्वगुण संपन्न ट्रैक्टर आपको मिल जाता है, तो इसको ज़रूर देखें, मौका दें। बस आज के लिए इतना ही, और अगर भैया आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बाकी सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम जी।